हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं टमाटो सॉस और यहाँ पर हम बनाएंगे चिली सॉस। तो चलिए टमाटो सॉस बनाना शुरू करते हैं। तो टमाटो सॉस बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं टमाटर, जो कि पूरे अच्छी तरह से लाल और फ्रेश टमाटर हैं। तो इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इसे काटते समय हमें इसका हरा भरा जो पार्ट होता है वो हम इससे निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि हमें सिर्फ लाल वाले पार्ट का यूज़ करना है। तो ये अच्छे नहीं लगते हैं और इससे टमाटर अच्छी तरह से गलते भी नहीं हैं। तो ये देखिए, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और टमाटर को अच्छी तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो ये देखिए, टमाटर सारे हमने कट कर लिए हैं और इसे हम इसी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक। और यहाँ देखिए, हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसे हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसे हम काट लेंगे अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में। हमें इसे भी कट कर लेना है ताकि इसका भी टेस्ट अच्छा आए हमारे जो सॉस जो हम बनाने वाले हैं उसमें। तो अब हम यहाँ पर 4 से 5 मिर्च ले रहे हैं, जो कि लाल मिर्च है और ये सूखी हुई लाल मिर्च नहीं है। तो इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर में। और यहाँ पर देखिए, हमने लिया है हरी मिर्च और एक पपीता लिया है हमने छोटा सा और अदरक, तो इसे भी हमें काट लेना है। हरी मिर्च को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और पपीता जो हमने लिया है उसे भी हमें काट लेना है। इसी में हम पपीता भी ऐड करेंगे। तो हरी मिर्च को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और ये देखिए, हमने अदरक को भी यहाँ पर कट कर लिया है छील करके। और पपीता जो हमने लिया है वो देखिए, इतना छोटा सा पपीता हमने लिया है, इसे भी हमें छील लेना है और इसे भी हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो ये देखिए, पपीता अभी कच्चा है और ये कितना हरा पपीता है, नाजुक पपीता है। तो इसे भी हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हमने लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें कि हमने लिया है काली मिर्च, दालचीनी और इलायची ली है हमने। इसे 2 पार्ट में हम कर लेंगे और इसे हमें एक कपड़े में बांध लेना है। दो हम इसे कपड़े में, अलग अलग कपड़े में बांध लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर, जो हमने यहाँ पर काट कर रखे हुए थे वो टमाटर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसी में हम डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद हमने जो मसाले जो कपड़े में बांध करके रखा हुआ था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि नमक डालने से टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और मसाले जो हमने कपड़े में डालकर ऐड किया है उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि जो मसाले का जो टेस्ट है वो यहाँ पर सारे टमाटर में आ जाए। तो ठीक उसी तरह से अब हम यहाँ पर मिर्ची भी ऐड करेंगे। तो मिर्ची ऐड करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तेल डालने के बाद हम यहाँ पर सारी मिर्ची डाल देंगे और पपीता जो हमने कट करके रखा हुआ था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसी में हम ऐड कर देंगे हल्का सा नमक और थोड़ी सी पानी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसी में भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे वो मसाले जो हमने कपड़े में बांध कर रखा हुआ था वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसे भी ढक करके हमें पकाना है। इन दोनों को हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो इसे अब हम ठंडा कर लेना है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मिर्ची भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को ठंडा कर लिया था और ये जो मसाले की पोटली हमने इसमें डाली थी वो हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इसे हम एक मिक्सर के जार में डाल करके इसे पीस लेंगे अच्छी तरह से। और फिर से हम वही कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई को चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर सारे टमाटर को जो हमने पीस कर रखा हुआ था उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कढ़ाई में और इसे हम चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जब इसमें उबाल आने लगेगा तब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच चीनी, और चीनी को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम चीनी क्यों ऐड कर रहे हैं। तो चीनी इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि सॉस को जब हम खाते हैं तो यहाँ पर खट्टा मीठा फ्लेवर आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर चीनी ऐड कर रहे हैं। क्योंकि टमाटर तो खट्टी है, तो यहाँ चीनी डालने के बाद इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। और इसी पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, और कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए ताकि इससे कलर अच्छा आए। तो इसी तरह हमने यहाँ पर चिली को भी पीस लिया है, तो चिली को भी इसी तरह से हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। और इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच चीनी, क्योंकि मिर्ची वाली जो बन रही है हमारी सॉस वो भी तीखी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच विनेगर ऐड कर दे रहे हैं,
तो इसे भी हम चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हमें चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती। तो ये देख सकते हैं आपकी सॉस हमारी बन करके रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।